Hare Krishna. Srimad Bhagavad Gita, chapter 16, text number 17. आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण करने के लिए आध्यात्मिक स्तर तक आने के लिए आशीर्वाद की आवश्यकता है। प्रेम, श्रद्धा और भाव के साथ यदि मंगल आचरण करेंगे तो गुरु और गौरंग हमें आशीर्वाद देंगे कि हम इन आध्यात्मिक शब्दों को ग्रहण कर सकें। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वसदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाश्च श्रीरूपं सागृजातम् सह कणरघुनाथन् वितं तं सजीवम् सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादा सह कणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु शरत्पति गोपेश गोपीका कांता श्रीराधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनम गौरंगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुतदेवी प्रणमामि हरि प्रिय। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतं गदाधरं शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद् गीता मात की जय हो। चैप्टर 16 टेक्स्ट नंबर 17। भगवान कहते हैं आत्मसंभावितस्तब्ध धनमान मदान्विता यजन्ति नाम यज्ञस्ते दम्भेन विधि पूर्वकम्। भगवान असुरों के विषय में बता रहे हैं आत्मसंभाविता यानी वो अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं। अपने आप को आत्मसंभाविता का मतलब होता है जो अपने आप को ही सबसे ज्यादा बेहतर समझता है, दूसरों को कोई वैल्यू नहीं देता। हमारा क्या है अमानी न मान लेना। भक्त का क्या होता है कि हमें दूसरों को मान लेना होता है और अपने आप को कोई अपने आप के लिए मान की कोई उपेक्षा नहीं करनी। लेकिन उसको क्या होता है दूसरों का सम्मान नहीं, बस उसके ख्याल में यही होता है कि मैं ही सम्मान के योग्य हूँ। आगे श्रद्धा। श्रद्धा का मतलब होता है घमंडी, जिसको अपने ऊपर बहुत ज्यादा घमंड होता है। धनमान यानी धन तथा झूठी प्रतिष्ठा। मद, मद का मतलब होता है मद, मतलब इतना मगरूर होता है मद का नशा, जिसके मद मतलब मगरूरी होता है, अहंकारी होता है।
अन्विता का मतलब होता है लीन, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो असुरी स्वभाव का होता है वो इसी चीजों में होता है, या तो अपने आप को घमंडी समझता है धन और मान, धन के उसके पास धन होता है इसलिए वो समझता है मुझसे ज्यादा श्रेष्ठ और कोई है ही नहीं, इसलिए वो बहुत ज्यादा मगरूर हो जाता है। और आगे भगवान कहते हैं यजन्ते नाम यज्ञ, ऐसे यजन्ते यज्ञ करते हैं, नाम मतलब खाली अपने नाम के लिए कि लोगों में ना फेम हासिल करने के लिए, यज्ञ भी करते हैं तो फेम हासिल करने के लिए यज्ञों के द्वारा। और दम्भेना मतलब घमंडी होता है, यहाँ पर वापिस से घमंडी आया। और आगे भगवान ने कहा अविधि पूर्वकम, यानी कि वो जो भी कार्य कर रहा होता है वो रूल्स एंड रेगुलेशन को कोई भी वैल्यू नहीं देता है, ये नहीं देखता है कि शास्त्र में इसके लिए क्या काम लिखा हुआ है कि किस तरह से करना है। अविधि पूर्वकम मतलब वो किसी भी नियम को फॉलो नहीं कर रहा। अगर यहाँ पर आप गौर से देखोगे ना तो एक ही चीज को भगवान श्री कृष्ण ने रिपीट किया है, आत्म संभाविता मतलब अपने आप को श्रेष्ठ मानना मतलब मगरूर या घमंडी, ठीक है। स्तब्धा उसका मतलब होता है घमंडी, ठीक है। उसके बाद धनमान अपने आप मतलब अपने आप को बहुत ज्यादा धन धनी समझना कि भाई मेरा मान हो, उसका मतलब घमंडी। मद मतलब मगरूर होना, इसका मतलब घमंडी। और आगे अगर थोड़ा देखो देखा जाए नाम मात्र अपने नाम के लिए यज्ञ करते हैं, और धम्बे ना उसका मतलब ही लिखा हुआ घमंडी। फिर वही बात आ गई कि भगवान को घमंड अच्छा नहीं लगता, मगरूरी अच्छी नहीं लगती, अहंकार अच्छा नहीं लगता। भगवान को विनम्रता अच्छी लगती है, सहनशीलता अच्छी लगती है। भगवान को ये अच्छा लगता है कि आप अपने लिए मान की इच्छा ना करो और दूसरों का सम्मान दो। यदि ये एक क्वालिटी हमारे अंदर आ जाए ना तो कृष्ण को खुश करना, गुरु महाराज को प्रसन्न करना ना बहुत आसान हो जाएगा। भगवान जो है वो विनम्रता को बहुत बहुत ज्यादा लाइक करते हैं। और गुरु महाराज श्रील भक्तिवाद ने तो विनम्रता के ऊपर पूरी एक किताब लिखी है कि अपने आप को घास के तिनके से भी कमतर समझना चाहिए। तो हमें और कुछ नहीं हमारे अंदर अच्छी क्वालिटी आ सकती है और कुछ ना कर सके, एटलीस्ट विनम्र बनने का भी अगर हम लोग प्रयास करें ना, तो क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने तो यहाँ तक कह दिया कि प्राणपति सुनी से ना तरोरपी सहिष्णु अमानी न माना देना कीर्तनीय सदा हरि। देखो ये कीर्तन का युग है, ये जो आज कलयुग में हम जी रहे हैं ना वो भगवान के नाम का युग है। इसमें खाली नाम ही लेना है, बस नाम हमें तारेगा। और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि अगर आपके अंदर घमंड होगा, अहंकार होगा तो फिर पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आपके अंदर सहनशीलता होगी, विनम्रता होगी तो आप सदैव भगवान का कीर्तन कर सकते हो। तो कहीं से काश ये कहीं मिलता होता ना तो सारा का सारा खरीद के आ जाती मैं, लेकिन पता नहीं हमें सिर्फ और सिर्फ इसके लिए स्ट्रगल करनी है, गुरु महाराज से प्रार्थना करनी है, वैष्णव से प्रार्थना करनी है कि हमारे इस घमंड को चूर चूर कर दें और हमारे अंदर निम्रता, विनम्रता और सहनशीलता के ये गुण ला दें, ताकि हम अपने भगवान का अच्छे तरीके से नाम जप कर सकें। और ये आसुरी स्वभाव स्टार्ट ही होता है घमंड से, जहाँ विनम्रता खत्म होती है वहीं से, क्योंकि विनम्रता नहीं होगी, विनम्रता अगर होगी तो आप सुनोगे, शास्त्र अध्ययन सुनोगे और सब सुनोगे तो जाहिर सी बात है उसको फॉलो करोगे। लेकिन जहाँ घमंड स्टार्ट हो गया तो फिर क्या करते हैं, किसी की बात को वैल्यू नहीं देते, अपने आप को ही सब कुछ समझते हैं। बस ये विनम्रता का एक अंश अगर भगवान हमें दे देना तो समझो हमारे लिए मार्ग खुल जाएगा, भगवान तक पहुँचने का रास्ता एकदम ईजी हो जाएगा। श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर समझाएंगे तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय हो। सॉरी, हम पहले अनुवाद पढ़ेंगे। अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा के मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन ना करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। ये श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं यहाँ पर अनुवाद में कि वो अपने आप पर बहुत घमंड करते हैं और अविधि विधानों को फॉलो नहीं करते हैं। ये वाला जो शब्द है ना लास्ट में लिखा हुआ है अविधि पूर्वकम, यानी कि उनका जीवन जो है वो उसी कोई रूल्स एंड रेगुलेशन पे उसको फॉलो करके नहीं करते, बस अपने रूल्स बनाते हैं
वास्तव में क्या होता है, जो शास्त्र में रूल लिखे हुए हैं, जो आचार्यों ने बताए हैं, जो गुरु ने बताए, उनको फॉलो करना होता है। लेकिन ये कोई विधि विधान का पालन नहीं करते, बड़े नाम मात्र के लिए यज्ञ भी करते हैं और इतने घमंड होते हैं, गर्व के साथ सब कुछ करते हैं, बाकी भगवान की प्रसन्नता के लिए तो, क्योंकि वो भगवान को मानते ही नहीं है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, अपने को सब कुछ मानते हुए किसी प्रमाण या शास्त्र की परवाह ना करके आसुरी लोग कभी कभी तथा कथित धार्मिक तथा या यागिक अनुष्ठान करते हैं। क्यों करते हैं? बस अपने आप को मानते हैं और मनवाना चाहते हैं, क्योंकि वे किसी प्रमाण में विश्वास नहीं करते, अतएव वे अत्यंत ही घमंडी होते हैं। थोड़ी सी संपत्ति तथा झूठी प्रतिष्ठा पा लेने के कारण जो मोह यानी भ्रम उत्पन्न होता है, उसी के कारण ऐसा होता है। बस उनके पास धन होता है। आज भी देखें, अगर संसार में धनी लोग को कोई बोलता भी नहीं है कि आप ऐसे क्यों कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे ऐसे वो लोग करते हैं, अपने घर में प्रोग्राम रखेंगे बड़े बड़े और धार्मिक नाम से, मतलब घिनना चाहिए ऐसे लोगों की सोच पर, नाम रखेंगे कि भाई हम लोग धार्मिक कर्तव्य कर रहे हैं, ये धर्म, और वहाँ पर वाइन चला रहे होंगे, नॉन वेजिटेरियन चला रहे होंगे, और उनको कोई बोलने वाला भी नहीं होगा कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो। बस वो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी साफ साफ कह रहे हैं कि क्योंकि किसी उनको किसी प्रमाण और पर को तो विश्वास होता ही नहीं है, तो फिर थोड़ी सी संपत्ति प्राप्त कर लेते हैं, बहुत घमंडी हो जाते हैं और प्रतिष्ठा के कारण मोह उनके अंदर इतना ज्यादा हो जाता है और इसी के कारण वो ऐसे ऐसे कार्य करते हैं। बस ये अहंकार उसके अंदर आ जाता है कि मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा मान होना चाहिए, लोगों को दिखाने के लिए खाली ये सब करते हैं कि लोगों को पता चले मेरा रोब यहाँ पर संसार में हो। कभी कभी ऐसे असुर उपदेशक की भूमिका निभाते, कभी कभी तो फिर और भी आगे बढ़ जाते हैं, वो उपदेशक बन जाते हैं, प्रचारक बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ अमीर लोग प्रचार कर रहे हैं, घमंडी हैं, उनके चार अनुयायी हो गए कि भाई हाँ वाह वाह करने वाले तो बहुत होते हैं, उनके चोले चमचे जो होते हैं वो फिर उपदेश करते हैं, लोगों को भ्रांत करते हैं और धार्मिक सुधारक या ईश्वर के अवतारों के रूप में प्रसिद्ध होते हैं। भाई हम लोग हैं वो, आप लोगों को क्या करने के लिए आए, आप लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए आए। अब ये कलयुग है, इसमें थोड़ी वो पुराने जमाने ऐसे कभी कभी बोलते हैं, कृष्ण जो है वो द्वापर युग का भगवान था, अभी तो कृष्ण पहले था भगवान लेकिन अभी कृष्ण नहीं है, अभी जो है ना ये, और फिर उसके चेले लोग बोलते हैं अभी हमारे भगवान ही सब कुछ है, इसी की आपको भक्ति करनी चाहिए और ये आपको कोई रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने की जरूरत नहीं है, नॉन वेजिटेरियन को वाइन वीमेन गैम्बलिंग हर चीज की आपको खुली छूट है, बस खाली आप यहाँ पर मत्था टेको, पैसे रखो और बस आपको मुक्ति। ऐसे बोला किसी ने, मैं एक लेक्चर सुन रही थी तो उसने कहा, वो जो लेक्चर दे रहे थे, बोला मैं किसी से मिला, उन्होंने यही वहाँ पर ऐसा ही हो रहा था कि उन्होंने कहा कि आप यदि इस गुरु की या इसकी आप प्रतिष्ठा करोगे, इसको प्रणाम करोगे तो वैकुंठ में आपको घर मिलेगा, यानी कि भगवान वैकुंठ में आपको घर मिलेगा, इस तरह का कोई लेक्चर है। तो थोड़ी देर के बाद है ना, उन्होंने बोला, मैंने कहा कि अगर आपको बॉम्बे में कहीं घर चाहिए तो आप लोग मेरे पास आ जाओ, मुझे प्रणाम करो, मैं आपको बॉम्बे में घर ले लूँ। तो उन्होंने कहा जो लेक्चर में, बोला तो बॉम्बे तुम्हारे बाप का है क्या, जो तुम जिस भी घर के लिए आप बोलो कि भाई जिसको आना है वो घर है, सब जोर जोर से बोल रहे थे, किसी को भी बॉम्बे में घर चाहिए तो वो मेरे पास आ जाए, मैं आपको बॉम्बे में ऐसे ही घर दे दूंगा, खाली बस मुझे प्रणाम करो आप। तो वहां से आवाज आई, बॉम्बे तुम्हारे बाप का है क्या, जो कहीं किसी भी घर में हम लोग रह सकते हैं। तो बोला, वैकुंठ तुम्हारे बाप का है क्या, किसी भी घर, किसी भी के वैकुंठ के में अगर हमें घर चाहिए तो तुम्हारे चरणों में नहीं, वैकुंठ में यदि घर चाहिए, यदि भगवान के धाम में घर चाहिए तो भगवान की पूजा करनी पड़ेगी, क्योंकि जिसका है वही दे सकता है, तुम्हारे बाप का नहीं है तो तुम कैसे दे सकते हो। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, कभी कभी ऐसे असुर उपदेशक की भूमिका निभाते हैं, लोगों को भ्रांत करते हैं और धार्मिक सुधारक के या ईश्वर के अवतारों के रूप में प्रसिद्ध होते हैं। वे यज्ञ करने का दिखावा करते हैं या देवताओं की पूजा करते हैं या अपने निजी ईश्वर की सृष्टि कर देते हैं, मतलब सब रूल्स एंड रेगुलेशन, या तो यज्ञ करेंगे सिर्फ दिखावा करने के लिए, देवताओं की पूजा करेंगे इंद्र तृप्ति प्राप्त करने के लिए, या फिर अपना ही कोई ईश्वर बना लेंगे, इन्हीं लोगों में से किसी को आगे खड़ा कर देंगे और बोलेंगे ये ईश्वर है। सामान्य लोग उनका प्रचार ईश्वर कहकर करते हैं, उन्हें पूजते हैं और मूर्ख लोग उन्हें धर्म या आध्यात्मिक ज्ञान के सिद्धांतों में बढ़ा चढ़ा मानते हैं। अभी आम लोग को, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है बताऊं,
कि हम लोग शास्त्र को नहीं समझना चाहते, चाहते ही नहीं, बस जो किसी ने कोई भी आके बैठ जाता है और जो भी मुंह से बोलता है हम उसको सिद्धांत मानते हैं, उसी को देखते नहीं है, टैली नहीं करते कभी शास्त्र में कि ये चीज लिखी हुई है या जो बोल के गया है बस ऐसे बोल के गया। मैं कथा में जब ऐसी कभी भगवान ना करे किसी को जाना पड़े, लेकिन कभी मजबूरन भी अगर ऐसी जगह पे जाना पड़ता है ना, तो वो पता है क्या बोलते हैं, बोलते वो कृष्ण नहीं है, कृष्ण वो कृष्ण की बात नहीं हो रही, शास्त्र में लिखा होता है कृष्ण का नाम और बोलते ये वो वाला गोपाल, मतलब वो नहीं जिसने गायों को पाला था, वो गोपाल भगवान नहीं हो सकता है जो गायों को पालता है संसार में आकर। गो का मतलब होता है पृथ्वी, और जो पूरी पृथ्वी का पालन करता है वो कृष्ण नहीं था जो गायों के साथ जाता था या रात खेलता था वो, मतलब कुछ भी शास्त्र का ज्ञान नहीं है। शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है गोविंद महादि पुरुषम तमहम बजामी वैणम प्रणम तम, वही वाला जो बांसुरी बजाता है जो टेढ़ा खड़ा होता है, साफ साफ लिखा हुआ है वो गोविंद की बात हो रही है और साफ कृष्ण की बात होती है। यहाँ पर तो भगवद गीता में कृष्ण खड़े खड़े कहते हैं मैं भगवान हूँ, फिर भी कहते हैं नहीं वो कृष्ण भगवान नहीं है, इतना उनका अधूरा ज्ञान। और सामान्य लोग बेचारे हैं, वो लोग समझते ही नहीं है, शास्त्र को समझने की कोशिश ही नहीं करते और सोचते हैं कि भाई किसी को भी फॉलो करेंगे तो फॉलो तो धर्म को ही कर रहे हैं। नालायक, इतनी समझ नहीं है कि अगर वो धर्म है ही नहीं, तो श्रीला प्रभुपाद तो ऐसे कहते हैं कि अगर आप समुद्र में गिर जाओ और किसी कुत्ते की पूंछ पकड़ लो तो जरूर वो कुत्ता भी डूबेगा और आप भी डूबोगे। आपको ये जरूर देखना है कि शास्त्र में क्या लिखा हुआ है। सिर्फ एक बात ये अगर हम अपनी श्रीला प्रभुपाद की याद रखे ना कि ignorance is not means that you will be free from the law. इसका मतलब ये अगर आपको खबर नहीं है, अगर आपको rules and regulations खबर नहीं है, अगर आपको शास्त्र के आदेश का पता नहीं है, तो आप ये जाकर यमदूत को नहीं कह सकते हो कि भाई मुझे पता नहीं था। बोलेंगे पता नहीं था तुमको, मनुष्य बनाया था, कुत्ता थोड़े बनाया था, तो तुमको पता ही नहीं था, तुमको पढ़ना चाहिए था, पढ़ना। कोई कोई मुझे ऐसे बोलते हैं अगर कोई एजुकेटेड नहीं हो तो क्या उसकी मुक्ति नहीं होगी। अरे संसार में जब संसार में भी तुम आते हो तो आपको एजुकेशन हासिल करनी होती है, तो ये ब्रह्मचर्य जो टाइम है, ब्रह्मचर्य पीरियड जो होता है वन से लेकर मतलब 25 साल की उम्र, वो होती है वेद अध्ययन करने के लिए। नहीं हासिल करते हो तो तुमने अपना जिंदगी अपना जीवन पूरा बर्बाद कर दिया ना, क्यों नहीं किया, मतलब क्या किया तुमने 25 साल तक, वही आहार निद्रा भाई मैथुन, ये जिंदगी होती है ठीक, ऐसी लानत भरी जिंदगी। कुत्ते भी यही करते हैं, तो तुमने भी यही किया, मनुष्य बनकर कौन सा बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया। कुछ अक्सर मुझे बोलते हैं शास्त्र नहीं पढ़ा तो हमें पता कैसे चलेगा, अरे तो पढ़ो ना, नहीं पढ़ा तो पढ़ो। यहाँ पर भी श्री प्रभुपाद जी कहते हैं सामान्य लोग उनका प्रचार ईश्वर की लेकर करते हैं, क्योंकि उनको शास्त्र का ज्ञान नहीं होता, उन्हें पूछते हैं उनकी पूजा करते हैं, और मूर्ख लोग धर्म या आध्यात्मिक ज्ञान के सिद्धांत में बड़ा सारा मानते हैं, बस बोलते हैं यही सही है, कुछ किताब हिताब को देखते नहीं है। वे सन्यासी का वेश धारण कर लेते हैं और उस वेश में सभी प्रकार का अधर्म करते हैं। अब इतना घिनौना हो रहा है, सन्यास का मतलब क्या होता है कि आपने सब कुछ त्याग कर दिया, आपका पूरा का पूरा भगवान के लिए जीवन होगा। आप अगर जी भी रहे हो तो आपके पास ये, उस सन्यासी के पास ये भी हक नहीं होता है कि वो अपने लिए घर बनाए, उसको तो हर जगह पर घूमना होता है, प्रचार करना होता है, लेकिन ऐसे सन्यासी का वेश धारण करके भी वो अधर्म करते हैं। अब यहाँ पर श्रीला प्रभुपाद जी बता रहे हैं वास्तव में इस संसार में संसार से विरक्त होने वाले पर अनेक प्रतिबिंब होते हैं, यानी जो सन्यास ग्रहण करता है उसके ऊपर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को उनको फॉलो करना होता है, लेकिन ये असुर इन प्रतिबंधों की परवाह नहीं करते हैं, वो इन सारी जो उनको मना की गई होती है ना, प्रतिबंध लगाया जाता है, पाबंदियां ली जाती हैं, उनको कोई फॉलो नहीं करते हैं। सोचते हैं जो भी मार्ग बना लिया जाए वही मार्ग अपना है, अपनी मर्जी जैसे जियो, कौन सा शास्त्रों के ऊपर चलना है। और उनके समक्ष आदर्श मार्ग जैसी कोई वस्तु नहीं होती। आदर्श मार्ग का क्या मतलब होता है कि जिन्होंने पहले ये कार्य किया, जैसे जो पहले भक्त हैं उन्होंने जब संन्यास ग्रहण किया तो वो लोग जिस तरह जी रहे थे, आज जब हम इस स्टेज पर हैं तो हमें भी उनको फॉलो करना है। लेकिन आदर्श मार्ग जैसी कोई वस्तु नहीं होती, वो किसी को फॉलो नहीं करते जिस पर जिसके पद चिन्हों पर उन्हें चलना हो। यहाँ पर अविधि पूर्वक शब्द पर बल दिया गया है, जो लास्ट वर्ड में बोल रही थी ना अविधि पूर्वक, दम लेना विधि पूर्वक, तो
अविधि पूर्वक का मतलब होता है कोई रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हैं, जिसका अर्थ है कि विधि विधानों की परवाह नहीं करते हैं। ये सारी बातें सदैव अज्ञान तथा मोह के कारण होती है। सबसे बड़ी वजह हम जो भी अपराध करते हैं ना, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ अज्ञानता है। हमें शास्त्र का ज्ञान नहीं है, तभी हम गलत कर रहे हैं। अगर शुरू से ही अपने बच्चे को जो हमारी सभ्यता ही रॉन्ग हो गई है, हमारे कम्युनिटी में क्या है कि आपको शास्त्र का ज्ञान इम्पोर्टेंट है ये भी नहीं बताया जाता। शास्त्र का ज्ञान देना तो बहुत बड़ी बात है, अलग है, वो तो बात ही अलग है, आपको बताया ही नहीं जाएगा। लेकिन इतना भी नहीं बताया जाता कि आप इंसान बने हो, आपको शास्त्र अध्ययन करना है। इतना भी खाली बताओ, अध्ययन नहीं करो, लेकिन अपने बच्चों के दिल में ये बात तो डालो कि जिस तरह से मेटेरियलिक एजुकेशन आपके लिए जरूरी है, कितना मार मार के भेजते हैं स्कूल ट्यूशन, इतना खाली उनके दिल में ये बता दें कि बेटा ये तो भौतिक एजुकेशन है, लेकिन आपको आध्यात्मिक ज्ञान भी सीखना है, गीता भी पढ़नी है, क्योंकि ये शास्त्र जो है तुम्हारे जीवन गाइड है, तुम्हारे जीवन का गाइड तुम्हें जीवन किस तरह से बिताना है वो तुम्हें शास्त्र बताएगा। ये भौतिक जो है वो तो तुम्हारे शरीर की है ना, जो भी मतलब उसमें तो शारीरिक ही बताया जाएगा, लेकिन तुम असल में आत्मा हो तो तुम्हें शास्त्र बताएगा कि तुम्हें किस तरह से जीवन अपना गुजार, ये भी नहीं बताते। तो अज्ञान है, इस अज्ञानता के कारण हमें अपने आप को शरीर समझ बैठते हैं, और शरीर तो जाहिर सी बात है जब प्रकृति में आते हैं तो तमोगुण सत्वगुण सब हावी हो जाते हैं। और इसीलिए प्रभुपाद जी ने आखिरी बात बताई ना कि ये सारी बातें सदैव अज्ञान तथा मोह के कारण होती है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अज्ञानता है, ज्ञान नहीं है कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, ये सब तो नहीं है। तो फिर इसलिए अज्ञान के कारण सब कुछ हो रहा है। अगर ज्ञान प्राप्त हो जाए ना तो ये सारी चीजें हम नहीं करेंगे, असुरी स्वभाव खत्म हो जाएगा। आगे भगवान कहते हैं 16.18, अहंकार बलम कामम क्रोधम च संशिता मामात्म परदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयका अहंकारम बलम दर्पम। यहाँ पर वापस से भगवान श्री कृष्ण अहंकार की बात कर रहे हैं। अहंकार मतलब मिथ्या अभिमान, बल मतलब शक्ति, दर्पम मतलब वापस से घमंड आ गया, कामम क्रोधम च संशिता, काम मतलब विषय भोग की वासना, क्रोधम क्रोध गुस्सा, संश्रिता मतलब शरणागत। अब ऐसा इंसान जो असुर होता है उसके लक्षण भगवान श्री कृष्ण और बता रहे हैं कि वो अहंकार होता है उसके अंदर, बहुत घमंडी होता है, काम यानी विषय इच्छाओं में घिरा हुआ होता है, गुस्सा उसको बहुत ज्यादा आता है और इसी के आश्रय होता है। माम आत्म पर देहेशु, माम मतलब मुझको, आत्म पर मतलब अपने तथा देहेशु। इतना भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे इतना दुख होता है जब कोई अंदर में मैं परमात्मा के रूप में बैठा हुआ हूँ और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने माम बोला है, माम आत्म पर देहेशु, मुझे भी दुख देते हैं, प्रदिशन्ति निंदा करते हैं, अभ्यसूयते ईर्ष्यालु होते हैं। अर्थात भगवान कह रहे हैं मिथ्या अहंकार बल धर्म काम तथा क्रोध से मोहग्रस्त होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या करते हैं। कितना भगवान ने कहा अभ्य सूर्य के का मतलब होता है ईर्ष्या करते हैं, तो भगवान को कितना दुख होता होगा और वास्तविक धर्म की निंदा करते हैं। वास्तविक धर्म क्या है? श्रीमद् भागवतम में 88,000 ऋषियों ने जब सूत गोस्वामी से ये प्रश्न किया कि यदि हम आत्मा है, हम भगवान की पराशक्ति हैं, तो फिर हमारा धर्म भी परा होना चाहिए। ये तो अपरा धर्म है ना कि माँ की सेवा करना, बाप की सेवा करना, देश की सेवा करना, या इस संसार में जो भी हमारे धर्म है वो सब तो इस प्रकृति पर यानी इस शरीर के ऊपर डिपेंड करते हैं। जब मैं आत्मा हूँ तो मेरा आत्मा का एक परा धर्म भी होना चाहिए। तो फिर सूत गोस्वामी बताते हैं 1-2 श्लोक नंबर 6 सूत गोस्वामी कहते हैं सवै पुंसाम परो धर्मो यथोर्भक्ति अदोषजे। सारी मानवता जितने भी लोग हैं, पुंसाम सवै पुंसाम जितने भी लोगों को मनुष्य देह मिला है उस
अपरा प्रकृति का धर्म क्या है, यदोर भक्ति अदोक्षजे, उस अदोक्षज भगवान की भक्ति करना, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करना ही आपका परो धर्म है। इसके अतिरिक्त और कोई आपका धर्म नहीं है। अगर आप आत्मा हो तो आत्मा का केवल एक ही धर्म है, यदो भक्ति अदोक्षजे। और कैसी भक्ति करनी चाहिए, साफ साफ लिखा है, अहेतुकीय प्रतिहिता। आपकी भक्ति के अंदर कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए, अहेतुकी कोई हित की कामना नहीं होनी चाहिए। ये नहीं बोलना चाहिए भगवान को जाकर कि भगवान मैं तुम्हारी भक्ति करती हूँ उसके बदले में सुख संपत्ति घरे आवे, कष्ट मिटे तने का, मिटे नहीं मिटे, इट इज नॉट, ये हेडेक नहीं है अगर सुख संपत्ति घर नहीं आती। क्योंकि भगवान की आप भक्ति कर रहे हो तो भगवान के ऊपर विश्वास रखो ना कि वो, आप अपना कार्य करो वो अपना कार्य करेगा। उसने जब बोल दिया है कि मैं योग क्षेमम का वहन करूंगा तो फिर उसके ऊपर भरोसा क्यों नहीं है, क्यों उसको बार बार जताते हैं कि मेरी मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो, मेरी सहायता करो। उसे पता नहीं है जब भगवान को आप इंस्ट्रक्शन देते हो ना कि भगवान आप ऐसा कर दो, तो उसके दो कारण होते हैं। एक तो आप भगवान को बेवकूफ समझ रहे हो कि वो बेवकूफ है, उसको पता नहीं है कि मेरा सुख किस में है, इसलिए मैं उसको बता देता हूँ कि देखो भगवान ऐसा करोगे तो मैं सुखी हो जाऊंगा। उसको अक्कल नहीं है। भगवान कहते हैं बुद्धि बुद्धि मतामसी, 7.12 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारे अंदर जो बुद्धि है ना, जो ये सोच रही है कि इससे मेरा भला होगा, वो मैंने दिए तुमको, तुम्हारे से करोड़ों गुना ज्यादा मेरे पास बुद्धि है, मैं डिसाइड कर सकता हूँ, माय प्लान्स आर मोर बेटर देन योर ड्रीम्स। तो फिर भगवान को अगर हम बताते हैं ना ऐसा करो, एक तो ये कि हम समझते हैं उसको बेवकूफ, नहीं समझ रहे हैं बेवकूफ तो फिर क्यों इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि वो मेरा हितकारी नहीं है, वो अपनी, जैसे बस किसी को हम बोलते हैं ना ऐसे करना, ऐसे नहीं करना, ऐसे करना, इसका मतलब है वो अगर खुद से करेगा तो मेरे लिए हानिकारक होगा, अगर मैं बताऊंगा तो वो सही करेगा। लेकिन यहाँ पर साफ साफ कहा गया कि भगवान की भक्ति करो अहितुकी, उसके अंदर अपनी कोई घर मत रहो, रखो अप्रतिहिता, यानी कि कोई उसमें डिस्कन, ऐसा भी नहीं कि अगर आपको प्राप्त नहीं हो रहा है आपका लक्ष्य, यदि आपको जीवन में सुख नहीं मिल रहा है भगवान की भक्ति करने के बाद भी, तो उसको डिसकंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप भगवान के ऊपर एहसान नहीं कर रहे हो, ये तो आप आत्मा हो, इसलिए आपका धर्म है, आपका फर्ज है भगवान की भक्ति करना, भगवान को जताने की या भगवान उसकी बदली में आपको कुछ देता है या नहीं देता है इसकी आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप अगर इस योग्य होगे तो भगवान देगा, अगर योग्य नहीं होगे तो भगवान नहीं देगा। भगवान दे रहा है या नहीं दे रहा है इसको कभी भी नहीं देखना चाहिए। भक्त कभी ये नहीं सोचता है कि भगवान मुझे कितना सुख दे रहा है उस हिसाब से मैं भक्ति करूँ, बल्कि भक्त ये सोच रहा है कि भगवान मुझे इतना दिया तुमने, मैंने उसके बदले में तुम्हारे तो कुछ भी भक्ति नहीं की। और इसी से, इसी सोच से क्या होगा, आगे कहते हैं ययात्मा सुप्रसिद्धति, आप हृदय, आप असल में आत्मा हो और आप अगर खुश होना चाहते हो तो उसका एक ही तरीका है कि आप अदोक्षज भगवान की भक्ति करो, उसके अंदर कोई गर्ज नहीं रखो और उसके अंदर कुछ ये भी नहीं सोचो। क्योंकि सुख जो जिसको आप समझ रहे हो ना, वो सुख तो शरीर से रिलेटेड है और आप तो आत्मा हो और आत्मा का धर्म ही ये है कि आप भगवान की भक्ति करो। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर समझाएंगे तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद की जय हो। आसुरी व्यक्ति भगवान की श्रेष्ठता का विरोधी होने के कारण शास्त्रों में विश्वास करना पसंद नहीं करता। वह शास्त्र तथा भगवान के अस्तित्व इन दोनों की ही ईर्ष्या करता है, इन दोनों से ईर्ष्या करता है, भगवान से भी और शास्त्र से। क्योंकि अब शास्त्र खोलेगा तो उसमें लिखा हुआ है कि भाई आपका धर्म क्या है, भगवान की भक्ति करना, भगवान तो उसको अच्छा ही नहीं लगता है, तो इसलिए ना शास्त्र को विश्वास कर रहा है और ना ही भगवान के ऊपर विश्वास कर रहा है और ना ही इस बात पर विश्वास कर रहा है कि वो आत्मा है। यह ईर्ष्या उसकी तथा कथित प्रतिष्ठा तथा धन एवं शक्ति के संग्रह से उत्पन्न होती है, यानी कि अब संसार में उसको मान सम्मान मिल रहा है, धन ज्यादा जमा हो गया है, तो ईर्ष्या शुरू हो जाती है। वह यह नहीं जानता, अब ये जो है ना इम्पोर्टेंट बात है, श्री गोपाल जी बोलते हैं, उसको ये खबर ही नहीं होती है कि वर्तमान जीवन अगले जीवन की तैयारी है। वो समझता है कि उस वर्तमान जीवन में मैं जितने भी काले करतूत कर लूं तो कर लूं, जितना भी अपने विषय अपने हवस को पूरा कर सकता हूं उतना कर लूं, आगे कौन देखता है, किसने देखा है। अक्सर लोग बोलते हैं आगे किसने देखा है, अभी तो मजा कर ले, जीना है बहुत कम दिन, खाओ पियो मजे करो। तो ये क्योंकि उसको पता ही नहीं होता है ये वर्तमान जीवन अगले जीवन की तैयारी। आज आपको जो कुछ मिला है वो आपकी मेहनत से नहीं मिला है,
माँ ये घर हासिल करने के लिए जिस घर में आप पैदा हुए हो, जो माँ ने आपको जन्म दिया, जिस बाप के जरिए आप जन्म लिए हो, क्या उसके लिए आपने कोई मेहनत की थी कि मुझे यही वाला बाप चाहिए, इस जन्म में आपने कोई मेहनत की? नहीं। जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हो, इतनी महंगी स्कूल में आप पढ़ रहे हो, उसके लिए आपने कोई मेहनत की? नहीं। ये भाई बहन जो आपको मिले हैं आज, उसके लिए इस जन्म में आपने कोई मेहनत की? नहीं। जो घर में आप इतने ठाट से रहे हो, ऐसी रूम में, जिस गाड़ियों में घूम रहे हो, उसमें उसको हासिल करने आपने इस जन्म में कोई मेहनत की है? इस जन्म में आपके पास जो कुछ भी है वो पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार मिला है। आज अगर आप सुखी हो तो भी, आज अगर आप दुखी हो तो भी, पिछले जन्म में जो कुछ किया है उसका आज आपको फल मिला है। इसका मतलब ये हुआ कि आज आप जो कुछ करोगे आपको नेक्स्ट में वही मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि आज आप भुगत रहे हो। आज आप चाहते हो आपको दुख मिले, नहीं मिले ना, आप नहीं चाहते हो, फिर भी दुख आता है। क्यों आता है? क्योंकि आपके कर्मों का फल है। आप हमेशा कोशिश करते हो, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम बीमार ना हो, हम दुखी ना हो, हम बूढ़े ना हो, लेकिन हो रहा है सब कुछ। हम जब ये सब कुछ हो रहा है, इसका मतलब है हमारे करतूत ऐसे हैं कि हमें सब भुगतना पड़ रहा है। और आज भगवान श्री कृष्ण साफ साफ कहते हैं भगवद गीता में कि अगर आपको नेक्स्ट जन्म में अमीर घर में पैदा होना है तो क्या करना है। साफ साफ भगवान के वर्ड्स है, छठा अध्याय श्लोक नंबर 41, बोले अगर आप अगले जन्म में अमीर बनना चाहते हो तो क्या करो। शुचि नाम श्रीमतांगे है योगो भ्रष्टो भी जायते। साफ साफ कह दिया, अगर आपकी भक्ति अधूरी रह जाती, यानी इस जन्म में आप भक्ति कर रहे हो और वो अगर आपकी पूरी हो जाएगी फिर तो प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो मेरे पास आ जाओगे, वहाँ पर तो अमीरी, अब भगवान के पास जाएंगे तो फिर क्या मिलेगा वो तो चलो ठीक है। लेकिन अगर आप भक्ति पूरी नहीं कर पाते हो, आपने अच्छी भक्ति नहीं कर पाते हो, भगवान तक नहीं पहुँच सकते हो, तो क्या मिलेगा। शुचि नाम श्रीमतां ये है, आपको दो घर, दो टाइप के घर मिलेंगे। शुचि नाम मतलब बहुत बहुत ज्यादा पवित्र आत्माएं होंगी, ऐसे लोगों में आपको जन्म मिलेगा। अगर नहीं तो श्रीमतां ये है, श्री का मतलब होता है संपत्ति, श्री का मतलब होता है सिद्धि, श्री का मतलब होता है खूबसूरती, श्री का मतलब होता है सुंदरता, श्री का मतलब होता है ज्ञान, बहुत बहुत अच्छा, यानी जिस जिस चीज को आप इस संसार में वैल्यू देते हो उसका मतलब होता है श्रीमान, श्रीमतान। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं संपन्न लोगों के घर में, अमीर लोगों के घर में, सुंदर लोगों के घर में, वैल्यूएबल, जो संसार में बहुत जिनकी वैल्यू होती है, ऐसे लोगों के घर में आपको तब जन्म मिलेगा जब आप इस जन्म में भक्ति करोगे। भगवान का स्टेटमेंट है, शब्द प्रमाण है, यकीन करते हो तो भक्ति करो और देखो अगले जन्म में क्या मिलता है। अगर भक्ति पूरी नहीं होती है तो, पूरी होगी तो डेफिनेटली भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप मेरी भक्ति करते हो और उसको पूरा कर लेते हो, भगवान कहते हैं 18.65 में, सत्यम ते सत्यम ते एम प्रोमिस प्रतिज्ञा प्रति जाने प्रियोसी में, तुम मैं बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ कि तुम मेरे पास आओगे अगर मेरी भक्ति करोगे, मुझे नमस्कार करोगे, अगर अनन्य चित्त से मेरी भक्ति करोगे तो निसंदेह मेरे पास आओगे, अगर पूरा नहीं भी कर सके तो भी अमीर घर में तो जाओगे, मैं तुमको लिखकर सर्टिफिकेट दे रहा हूँ। लेकिन श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वो तो ये जानते ही नहीं है कि वर्तमान जीवन जो है वो अगले जीवन की तैयारी है, इसे ना जानते हुए वह वास्तव में अपने प्रति तथा अन्यों के प्रति भी दोष करता है, हमेशा अपराध करते रहते हैं, वह अन्य जीवधारियों की तथा स्वयं अपनी हिंसा करता है। अपनी हिंसा कैसे करता है? यहाँ लिखा हुआ श्री प्रभुपाद जी कहते अन्य जीवधारियों की तो हिंसा करता है लेकिन अपनी भी करता है। अपनी ऐसे करता है क्योंकि वो आत्मा है, अगर आत्मा को, आत्मा की संतुष्टि केवल ये आत्मा सुप्रसिद्धति, मैंने अभी बताया ना आपको 6.1.2.6 श्रीमद् भागवतम बोलते हैं, अगर आप अपनी आत्मा को खुश करना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, अहेतुकी या प्रतिहिता, जो भगवान ऐसे भगवान की सवय पुंसाम परो धर्मो यतोर भक्ति अधोक्षदे, अधोक्षित भगवान की भक्ति करना ही एकमात्र यह तरीका है जिससे आप आत्मा को संतुष्ट कर सकते हो। आत्मा तड़प रही है,
बारंबार जन्म मृत्यु के चक्कर में उसी को फंसना पड़ रहा है, अलग अलग जानदार, अलग अलग 84 लाख योनियों में कभी कीड़ा, कभी गटर का, कभी कॉकरोच बनना पड़ता है, कभी छिपकली बननी पड़ती है, कभी खटमल, कभी मधुमक्खी बनना पड़ता है, तो कभी दीमक बनना पड़ता है। ये आत्मा है वो इतना, उसका यहाँ पर साफ साफ बोल रहा है स्वयं अपनी हिंसा करता है, तो उसकी उसका कितना हिंसा। ऐसा मैंने बताया था, ऐसे व्यक्ति को शास्त्र कसाई कहता है, जो कसाई से भी गिरा हुआ कहता है, क्योंकि कसाई तो दूसरे पशुओं की हत्या कर रहा है, वो तो अपनी आत्मा का हनन कर रहा है। वह भगवान के परम नियंत्रण की चिंता नहीं करता है, वो ये देखता ही नहीं कि भगवान बैठा हुआ है परम कंट्रोलर, क्योंकि उसे ज्ञान नहीं होता। सबसे बड़ी मूर्खता ये है कि ज्ञान नहीं हासिल करते, सबको पकड़ पकड़ के, जब बच्चा पैदा हो ना, एक पकड़ पकड़ के ना थप्पड़ मार के बिठाना चाहिए, बेटो भगवद गीता पढ़ो, नहीं हासिल नहीं किया, ज्ञान नहीं हासिल किया। आज मेरी इतनी इच्छा है कि जिसको मैं जानती हूँ उसको मैं भगवद गीता एटलीस्ट बता दूँ। बस एक ही है कि भगवद गीता आपको ज्ञान प्राप्त हो जाए ना, आगे ये हमारी हमारा ये नहीं है उद्देश्य कि आपको भक्ति करना सिखाए, क्योंकि जब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा ना, फिर आप जब आप आग लगा देते हो ना किसी जगह पर, तो वो भड़कती खुद ही है, लेकिन बेचारे को पहले बताओ तो सही कि आपको करना क्या है, आप हो कौन, आपकी असलियत क्या है, आपको जाना कहाँ है। ये चीज उसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्य महाबलेषु, आप कार्य करो। तो जिन जिन को ये पता चल गया है कि आप आत्मा हो, ज्ञान हासिल करना बहुत ज्यादा जरूरी है, शास्त्र से पता चलेगा, वो हर एक को इस बात से खाली कन्विंस करने की आपको ये सुनना है, बस सुनने के बाद उसके ऊपर असर होता है नहीं होता है, तो ये तो सब छोड़ दो, भगवान के ऊपर हमें सिंसियर होना है। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, शास्त्रों तथा भगवान से ईर्ष्या करने के कारण वह ईश्वर के अस्तित्व के विरुद्ध झूठे तर्क प्रस्तुत करता है, क्योंकि उसको शास्त्र का ज्ञान नहीं होता है, तो ईश्वर का अस्तित्व जो होता है यानी कि असल में कौन भगवान है उसके, वो उसको नहीं बताता, अलग अलग झूठे तर्क बताता है कि नहीं ये नहीं हो सकता, और शास्त्रीय प्रमाण को अस्वीकार करता है। जो शास्त्र कहता है एतेषां सकलापुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, इस प्रमाण को वो नहीं मानता है और अपनी तरफ से झूठे झूठे भगवान बनाकर उनके लिए तर्क बताता है। वह प्रत्येक कार्य में अपने को स्वतंत्र तथा शक्तिमान मानता है, समझता है कि मैं आजाद हूँ, मैं जो भी करूँ, वह सोचता है कि कोई भी शक्ति बल या संपत्ति में उसकी समानता नहीं कर सकता है, अतः वह चाहे जिस तरह से काम करे उसे कोई रोक नहीं सकता। क्यों सोचता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि इसकी सजा मुझे मिलेगी, ज्ञान नहीं है ना। और आगे, यदि उसका कोई शत्रु ऐसे इंद्रिय कार्य में आगे बढ़ने से रोकता है, यानी कि कोई आ जाता है और उसे बताता है कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, उसकी इंद्रिय तृप्ति के लिए बाधक बनता है, तो वह उससे अपनी शक्ति से छिन्न भिन्न करने की योजनाएं बनाता है। तो फिर क्या करता है कि किसी तरह से ये खत्म हो जाए ना, इसका खात्मा हो जाएगा, तो फिर मेरे सारे मंसूबे पूरे हो जाएंगे। ये आसुरी गुण है, भगवान श्री कृष्ण ने अब तक हमें आसुरी गुण ही बताए हैं, और कल से हमें भगवान श्री कृष्ण ये बताएंगे कि उन लोगों के साथ मैं क्या करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।